kan ik moet eventjes kijken of je een update kan doen vandaag. En dan nu. Wat? On. इसलिए कि तब कथा अमृतम बोले तुम्हार कथा अमृतम तुम्हार कथा जो सुनेगा वो मरेगा बोले देखो जब तक तुम्हारी कथा नहीं सुने थे ना तब तक संसार में चैन में रहते थे अपना बीवी बच्चे संसार को लेकर के आनंद में रह रहे थे लेकिन जब से तुम्हारी कथा कानों में पड़ी हमें तो पागल बना दिया था पागल बना दिया कभी जगन्नाथपुरी भगा कर ले जाते कभी नवद्वीप ले जाते कभी वृंदावन भगा कर ले जाते कभी उसको घर में कभी इसको घर में जहाँ प्रोग्राम हो बात भगे आए ऑफिस में काम करके आए और अभी कपड़ा भी बदला नहीं भागो चलो चलो कथा में चलो हैं कथा में चलो इसलिए बोले तुम्हारी कथा जो सुनेगा ना वो बिरह रूपी आग में जलते रहेगा इसलिए तब कथा अमृतम हैं तो सुन कहते हैं जैसे प्रज्वलित करता जैसे एकदम तेल गर्म तेल हो उसमें थोड़ी से पानी छोड़ दो ना झट एकदम फर करके उड़ जाती है कहते ऐसे ही तुम्हारी जो कथा है जो कहते क्या करता है बिरह रूपी अनल को प्रकट कर देता है तुम्हारी कथा चैन में रहने नहीं देती घर में नहीं बाहर नहीं कहीं हमें चैन में नहीं पागल वृंदावन चलो इसलिए बेचैन कर देती है तुम्हारी कथा इसलिए बोले कभी भी रीढ़ी तब तब कृष्ण ने कहा अगर मेरी कथा ऐसे है जो ब्रह्मा शंकर सुखदेव गोस्वामी और बड़े बड़े जो साधु लोग मेरी कथा को इतना महिमा क्यों गाते हैं है? अभी ध्रुव महाराज गा रहे थे क्यों फिर मेरे महिमा को इतना क्यों गाते हैं तो कहते अरे ये कवि लोग है ना इनका स्वभाव है जैसे कभी कहते ना आकाश में फूल खिल रहा है अरे आकाश में कहीं फूल खिलता है, है? कहते जहा ना पहुंचे रबी वहां पहुंचे कभी समझ रहे हो जहाँ नहीं पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी रवि मतलब द सूर्य प्लस सूर्य का किरण जहाँ नहीं पहुंचता है ना बस कवियों का वर्ण वहां पहुंच जाता है ये कभी लोग ऐसे बोलते रहते हैं कथा सुनो यार ये बोलते रहते हैं इसलिए बोले कलमसा अपहम तुम्हारी कथा सुनने से क्या होता है बोले दुख प्राचीन पाप तुम्हारी कथा सुनने से जितने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं गोपियां कहते हमारा कौन सा पाप नष्ट हुआ बल्कि जब हम कृष्ण के साथ में मिलने जाते हैं जैसे राधा रानी जब कृष्ण के साथ में मिलने जाते हैं ना उनको सांस और नाना दी जटिला और कुटिला और जो पति है ना अभिमन्यु अभिमान जटिला मतलब जट बगाना कुटिला मतलब कुटकुट कुटकुट कुट करना है बिना कारण से राधा रानी सखियों उनका जो पति गोपियों का पति कृष्ण का जो अभिमन्यु जटिला कुटिला कहाँ गई थी इतना देर क्यों हो गई क्या कर रही थी हैं इसलिए कहते हम तो जब से कृष्ण प्रेम में जब से हम गए ना तब से हमारी बदनामी ब्रज में हो रही है ये कहाँ कृष्ण के साथ में घूमती रहती है कृष्ण के साथ में इसलिए बोले श्रवण मंगलम कहते भगवान की कथा सुनने से क्या होता मंगल होता है बोले हमने कभी तो अनुभव किया ही नहीं भगवान कथा सुनने से मंगल होता हमने कभी अनुभव तो किया ही नहीं कहते परिणाम दुख विचार करिया श्रवण ना करता नष्ट हो गया था तात्पर्य आततम तब यहाँ पर कह रहे हैं बोले तब तब श्रवण मंगल बोले श्री मदाततम आततम मतलब है क्या है कहते देखो ये जो बाबा लोग है ना चक्कर में मत पड़ा करो साधुओं के चक्कर में मत पड़ा करो हैं ये बड़े गड़बड़े आदमी हैं हाँ ये क्या करते हैं ना बगल में भागवत की पोथी दबा करके बोले देखो कथा सुनाएंगे कोई पैसा की जरूरत नहीं आओ सब कथा सुनो आओ कथा सुनो हैं कहते हैं ये क्या करते हैं गांव गांव में जाकर ना शहर शहर में जाकर के कथा सुनाते हैं कथा सुनाते हैं और कथा सुनाते 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 ऐसे उनको पागल बना देते हैं, हैं? कहते ऐसे पागल बना देते हैं खुद का भी घर द्वार ठिकाना रही है इन्हें कहा खुद भी जंगल जंगल में वृंदावन में पेड़ पेड़ को नीचे रहते हैं और क्या करते हैं जो जिनके पास में ज्यादा पैसा वाले लोग हैं ना जिसके पास ज्यादा पैसा बास उनको भी कथा सुनाते 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 उनको भी घर मकान द्वार उनको भी छोड़ देते उनको भी खुद का ही घर मकान नहीं और क्या करते हैं ये खुद भी चैन में नहीं रहते दूसरों को भी चैन में रहने नहीं देते हैं चैन में रहने देते खुद चैन नहीं दूसरों को भी
चैन में सबको बेचैन कर देते हैं, हैं? इसलिए बेचैन करके क्या करते हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी कौन थे, राज मंत्री कहते रघुनाथ दास गोस्वामी तो कहते जिस घर में इंद्र की बराबर ऐश्वर्य था, पत्नी अप्सरी जैसे सुंदरी, इतने सुंदरी पत्नी, नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे थे, हैं राजा की बेटा श्री नरोत्तम दास ठाकुर, लेकिन जब उन्होंने भगवान कृष्ण कथा सुने, बस कृष्ण कथा सुनते ही घर मकान दुकान सब छोड़े और क्या करते थे, बोले कौपीन कंथा श्री तो कौपीन धारण करते हुए और कंथा, कंथा मतलब जो पुराने कपड़े को जो मिलाकर बनाते हैं, इसलिए एकदम रह करके हाथ में कड़वा लेकर के दीन हीन हो करके पेड़ कुछ एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन रुकते थे, बोले हे राधे ब्रज देव के चल ललिते, हे नंद सुनत श्री गोवर्धन कल्प पाद तक कालिंद मनिकुत गो संतांग मिति सर्वत्र खेदर महाभियलो बंदे रूप सनातन रघु युग श्री जीव गोपाल। ये गोस्वामी युग ने एक के पेड़ को नीचे एक एक दिन रुकते हुए हे राधे तुम कहाँ हो, हे श्री ब्रजदेव के तुम कहाँ हो, हे ललित तुम कहाँ हो, पागल हो करके कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में, कभी गिरिराज गोवर्धन में पागल हो करके है, कहाँ राधे या कहाँ कृष्ण, पागल पागल हो करके सर्वत्र विचरण करते थे। इसलिए अर्थात करे धन वृद्धि, इसलिए कहते ये बहुत धन को व्यय करते हुए, बहुत पैसा को क्या करते हैं, खर्चा करते हुए ग्राम ग्राम में भगवान की कथा को प्रचार करते हैं, हैं एक जगह से जारा से कथा कीर्तन कर तारा अर्थात विनाश करिया था के। इसलिए कहते भूरी दा जना, एक तरह से कहते ना जो कथा को दान करते हैं सबसे बड़ा दानी, जगत में सबसे बड़ा दानी है। गोपियां कहती है खबरदार ये सब गड़बड़ी बात है, कहते जो कथा दान कर दानी है, दानी क्या, दानी नहीं बोले क्या है, बोले जो सुनने वालों को खत्म कर देते हैं, जो सुनते सुनते कृष्ण कथा सुनते 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 बस उसका मन भी पागल बना देते हैं, बोले भैया मैं भी सब छोड़ करके वृंदावन चलूं, मैं भी छोड़ करके वृंदावन जाऊंगा, वहीं पर भजन करूंगा, वहीं पर भक्ति करूंगा, वहीं पर है। इसलिए कहते सबको विनाश करते हैं, जो चैन में रह रहे हैं ना, घर में खा रहे हैं पी रहे हैं, बस उनको बेचैनी कर देते हैं, दोती खंडयति मारयति। इसलिए कहते हैं भूरिता, दाम के लिए होता है काटना, वो क्या करते हैं कथा सुनाते सुनाते उनको संसार की आसक्ति खत्म कर देते हैं, हैं उनको प्राण से मार डालते हैं। एरूपे तुम्हारा कथा विस्तार करिया, न्याय उपविष्ट मनुष्य के ब्याद अपेक्षा अधिक दूरे शुद्धि गणेर उपेक्षणीय कहिया था कि यही भावार्थ है। जैसे ब्याद जैसे जानवर को मार देते ऐसे ही कथा सुनाते सुनाते वो भी सबको मार डालते, खुद पागल सबको पागल बनाकर घूमते। इसलिए कृष्ण अनुचरित लीला दोषा उद्गारे ब्रजदेवी गणेर प्रगाढ़ बिरहार तिर इंगित पावा जाए। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे गोपियां कृष्ण कथा को निंदा कर रहे हैं, ऐसे लगता है ना कृष्ण कथा को ये जैसे निंदा कर रहे हैं, दोष दिखा रहे हैं, दोष नहीं कहते ये ब्रज देवियों का कृष्ण प्रेम को उद्गार है, ये दोष नहीं है। उनको जो बिरहार थी, जो गोपियां कृष्ण बिरह में रो रो कर कह रहे हैं हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है अमृत नहीं मारने वाले, क्योंकि हम पहले रहते थे लेकिन देखो तुम्हारी कथा सुन करके वंश ध्वनि सुनकर सब छोड़ कर गया है, और तुम कहाँ जंगल का बीच में हमें छोड़कर कहाँ चले गए, अभी हम तुम्हारे विरह में तीन रात हम रो रहे हैं बैठी बैठी करके। कहते यहाँ पर दिखाई पड़ता है जैसे गोपियां जैसे कृष्ण कथा की जैसे दोष बोल रहे, बोले दोष नहीं यही कृष्ण कथा की महिमा है। अगर कृष्ण कथा हमने सुने, कृष्ण कथा सुनते 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 कृष्ण का प्रति प्रेम नहीं आया, कृष्ण के प्रति भाव नहीं आया, कृष्ण प्रेम में डूबे नहीं, ऐसे कृष्ण प्रेम में रोए नहीं, महाप्रभु कहते ना
नैनम गलदस्तु धारया बदनम गदगद हृदया गिरा पुलकैरि निचितं बपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। बोले प्रभु ऐसे कब आएगा? बोले कौन सा दिन? बोले तुम्हारे जो नाम को लेकर के आंखों से आंसू की झरी बहने लगी और जो कंठ गदगद हो जाए, वाणी रुक जाए, हाँ तुम्हारी कथा सुनते सुनते तुम्हारी नाम करते करते रोने लगी है। लगता है जैसे ऊपर रोना, गुरुदेव कहते थे जैसे ऊपर से लगता है तो रो रही कृष्ण विरह में दुखी होकर। बोले नहीं, कहते ऊपर से देखने तो रखता है रोना, लेकिन हृदय में एक दिव्य आनंद की तरह से एक दिव्य आनंद है। जैसे उदाहरण देते हैं जैसे गन्ने हैं, जो गन्ना होता है उसका आग में गर्म कर लो, गर्म करके वो गन्ने के जब खाओगे ना तो गर्मी लगेगा, वो मुंह में दिया नहीं जाएगा, लेकिन जब गन्ने को आग में गर्म कर पानी चली जाती है उसमें और ज्यादा मिठास आ जाती है। आप देखना उसको खा भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते हैं, उसको खा भी नहीं सकते छोड़ भी नहीं सकते, क्यों? बहुत मीठा है इसलिए खा नहीं सकते, बहुत गर्मी है। कहते जो कृष्ण जो प्रेम है ना ऐसे ही, ये कथा को छोड़ नहीं सकते हो, सुन भी सकते नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते हो, हैं? मतलब कृष्ण प्रेम में ऐसे ऐसे हो जाती है, कृष्ण विरह में हाँ कृष्ण कथा में रोते भी रहते हैं और कथा को सुनते रहते हैं। इसलिए गुरुदेव एक उदाहरण देते थे, जैसे किसी गांव में रामायण हुई और इतने सुंदर रामायण हुई, उसमें दिखाया कैसे भगवान राम अयोध्या छोड़ करके जा रहे हैं। जो अयोध्या छोड़ कर गए, सारे अयोध्या वासी राम का विरह में सबके सब रोए, पेड़ पौधा भी रोए राम विरह में। कामतगिरी में दिखाई पड़ता है पूरा, वहां पूरा पहाड़ के पहाड़ भी पिघल गया जब राम भरत के मिलन हुई है, राम भरत का मिलन हुई। कहते और जब सीता को उन्होंने त्याग दिया, सीता जब पाताल में प्रवेश की, वो लीला को देख करके सब के सब रोए। मतलब जितना रात में जो दिखाई गई वो जो राम कथा, रात भर जो देखे ना रोए 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 राम का लीला देख कर, इनको पता चला अरे यही जो लीला कल दूसरे गांव में दूसरे गांव पास वाले गांव में भी ये राम लीला होगा। देखना वो गांव के जितने लोग हैं ना फिर सबके सब वहां पर पहुंचे। बोले क्यों? बोले यहाँ भी रात भर रोए फिर वहां भी रोए, यहाँ भी रोए और वहां भी रोए, क्या रोने के लिए जा रहे हैं? बोले नहीं, ऊपर से लगता है जैसे रो रहे हैं लेकिन जो अंदर में एक दिव्य आनंद है, अंदर में दिव्य आनंद है। इसलिए यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे गोपियां कैसे कृष्ण कृष्ण को जैसे उनको निंदा कर रहे हैं। बोले निंदा नहीं, कृष्ण कथा की महिमा को गा रहे हैं। इसलिए सुतराम यहाँ बेजस्तुति जानी चाहिए, बेजस्तुति मतलब होता है ऊपर से निंदा लेकिन अंदर से स्तुति है। इसलिए ये श्लोकों को विश्वनाथ गोठाकर जीव गोस्वामी ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया है, कथा की क्या महिमा है। ठीक है, अलिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। बच्चा गुरु दरभस कृपा सिंधु भय उच्च पतितानंग पावने को बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय बोल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि।
Somebody looking katha? Yes, Maharaj. Oh. Mohit Alwat. Huh? Mohit. Huh? Alwat or Radha Dasi. Or Suno Gopal, Sita Varadeo, Ramanandas, Ananda Devi, or that's it. Navit Krishna Das, Navit, 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 Navit Krishna Das. Huh?